एप्पल का विजन प्रो निकला है, ऐसे कॉस्ट में इंटरेस्ट पर मिलना चाहिए। बैंक बैलेंस दिखा दे सामने कि देखो इतना है तुम्हारा बैंक बैलेंस। तो ये दिखा रही है अवॉइड गर्लफ्रेंड्स, इट सेव्स 90% ऑफ पेट्रोल, है ना, इसलिए तो मैंने भैया इलेक्ट्रिक गाड़ी ली है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ऐसा भी नैने की चीज पसंद नहीं आई तो फिर गाय को खिला दिया। गाय है गुड मॉर्निंग गाइस, एंड जिम भी पहुंच चुके हैं भाई। तो आज मेरा तीसरा दिन है लगातार जिम आने का, और कल का अगर आपने व्लॉग देखा होगा ना तो ताने ने मेरे साथ एक चैलेंज भी लगाया था कि मैं आज जिम नहीं जा पाऊंगा, मगर भाई ताने अपना चैलेंज हारने वाली है। अब तो फटाफट जिम करते हैं, थोड़ा ज़्यादा कार्डियो भी करनी पड़ेगी क्योंकि कल पिज़्ज़ा और गाजर का हलवा जो खा लिया था तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा आज जिम में। हाँ जी, जिम करके आ चुका हूँ मैं। कुछ याद आया तुम्हें? हाँ, मेरे को पता, मैंने चैलेंज दिया था। चैलेंज हार गई तू? तो मैं चिकन खिला दूंगी उसमें, क्या है? तो तुमको बनाना पड़ेगा। ये क्या बात है? और हो जाएगी, देख लेना कि घर में चिकन बन। यार ये तो यार चालूपंथी कर रही है यार ये। मेरे को नहीं आता बनाना कभी, तो कल चैलेंज उसने ऐसा लगाया जैसे मैंने बोला था खा लेना, खिला दूंगी, मतलब बाहर से खिला दूंगी। मैंने ये थोड़ा ना बोला था कि मैं बना के खिलाऊंगी। कितनी चालाक है यार, कितनी चालाक। तो डिस्क्लेमर हुआ ही नहीं था, तुम्हें खाने का मतलब है। कोई बात नहीं बेटा, मेरा भी वक्त आएगा, आएगा मेरा भी वक्त आएगा। चलो जी नहा धो लेते हैं अब, एंड देन फिर यार ऑफिस का भी स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया, 10 बज गए, ऑफिस का भी थोड़ा सा काम निपटाना है। ठीक है, ठीक है। चलो जी नहा धो के अपन हो चुके रेडी, एंड ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया था अभी 2 मिनट पहले क्योंकि काफी तेज भूख लग रही थी। एंड अब यहाँ पे ठंडी चल रही है ना, तो ठंडी की वजह से गर्म पानी से नहाना पड़ता है क्योंकि भाई ठंडा पानी तो इतना ठंडा आता है कि भैया कुल्फी जम जाए आपकी। तो अब गर्म पानी से नहा के हो क्या रहा है, मुझे नींद आने लग गई है। बहुत बढ़िया, क्योंकि खाना भी तुमने खा लिया है। हाँ, और जिम भी मैं आज कुछ ज्यादा ही करके आया था इस वजह से, बट कोई बात नहीं भाई, सोया नहीं जाएगा, काम किया जाएगा क्योंकि ऑफिस का थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है तो अपन वो करेंगे अब बैठ के। और ये होगा मेरा आज का सिंहासन जिसपे मैं पूरे दिन विराजमान रहूंगा। अरे ये तुमने साफ नहीं किया यार, बताओ, मुझे लगा तुमने इसमें फूल वूल लगा के रखे होंगे, मैं आके इस पे बैठूंगा आज पूरा दिन इस पे बिताऊंगा। किस पे? सोना नहीं है उस पे, काम कर रहा है। हाँ, तो ऑब्वियसली बात है मैं इसमें काम ही करूंगा, सोऊंगा थोड़ी। तो इतना कंफर्टेबल हो जाएगा तो उस पे नींद आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहना चाहिए। ऐसा कुछ ऐसा तो फिर तो काम होगा ही नहीं, फिर तो अनकंफर्टेबल अगर होगा तो आधा दिमाग तो वहीं लगा रहेगा। कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए ना काम करने में, की भैया पूरा दिमाग जो है वो आपको काम में लगे ना। सोफा कंफर्टेबल है, मैं ये नहीं कह रही था तुम अंदर चेयर पे जाके बैठो, सोफा है कंफर्टेबल, बट इतना ज्यादा भी कंफर्ट नहीं देना चाहिए कि नींद आ जाए। अच्छा, हाँ, तो इतना ज्यादा कोई कंफर्ट नहीं दे रहा हूँ मैं, सो जाऊंगा। नहीं यार, कब कब टीवी देखते देखते वो कंबल ऐसे ऊपर हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। देख लियो आज मुझे, मैं सोऊंगा नहीं, काम करता हूँ, मिलूंगा मैं तेरे को। ठीक है, तो चलो जी ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और अब शुरू करते हैं अपना काम। और वीर तो यहाँ पर अपना आसन जो है वो ले चुके हैं और ऑफिस का काम भी शुरू कर दिया है, तो मैं भी अपना लैपटॉप उठा करके अपना काम करने के लिए चलती हूँ। मैं दूसरे रूम में बैठूंगी, नहीं तो हम लोग साथ में बैठेंगे तो हम बातें बनाते रहेंगे। एंड बाय द वे मैं एक न्यू रोल के लिए भी अप्लाई कर रही हूँ, मतलब जॉब के लिए, जो कि आपने मतलब लास्ट वीडियो में देख ही लिया होगा। तो उसी के लिए थोड़ी सी पढ़ाई वढ़ाई भी करनी है और रेज्यूम बनाना है और साथ साथ थोड़ी सी एडिटिंग भी करनी है। और जी काम करते करते ना मुझे 2 घंटे हो गए और पता भी नहीं चला। एक तो इतनी मस्त धूप आई हुई है और धूप में बैठ के काम करने का मजा कुछ और ही है। और फिलहाल के लिए ना अभी 2:30 बज गए हैं और लंच टाइम हो गया है, वीर को जाकर के देखते हैं बाहर की क्या कर रहे हैं और फिर लंच की तैयारी करते हैं। जी कौन सा काम हो रहा है तुम्हारा? तुम तो बहुत अच्छा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, है? बहुत मस्त धूप निकल रही है यार। तो लंच नहीं करना क्या? 2:30 बज गए। करते हैं यार। A few moments later. भाई साहब धूप में सोने का अलग ही मजा है यार, कसम से मजा आ गया। एकदम ऐसा रिफ्रेशिंग रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा है मुझे तो। और डालूं? बहुत है। 2 चम्मच ही एक्स्ट्रा डाली है मैंने इसमें बस। हाँ तो ठीक है,
आज जिम कर रहा हूँ मैं आजकल, तो ज्यादा खाऊंगा। एंड बाय द वे भाई, एक चावल हमने कल ही बनाए थे जो कि आपने कल वाले व्लॉग में देखा ही होगा आई गेस। तो होता क्या है ना, हम दो लोग हैं यार, तो इसीलिए हम खाना ना थोड़ा ज्यादा ही बना लेते हैं कि कम ना पड़ जाए। अब वो कभी कभी क्या होता है, खाना थोड़ा ज्यादा बनता है या कभी कभी वो बहुत ज्यादा बन जाता है। तो ये चावल वो ये कि कुछ ज्यादा ही बन गए, तो इसलिए दो तीन दिन तक चल जाएंगे हमारे। कुछ ज्यादा नहीं बने, हमने रात में नहीं खाया था, कल हमने रात में पिज्जा खाया था, इसीलिए बच गए। भाई तो वैसे भी हम रात में वो खाते हैं ना, सैलेड खाते हैं। सैलेड नहीं थी इसीलिए मैंने ज्यादा बनाया। अच्छा, इसलिए मैंने ज्यादा खा लेते। ओके ओके, दोस्तों निकल पड़े हैं अपन कॉस्को की तरफ, थोड़ा सा घर का सामान वामान खरीद के आते हैं। एंड साथ ही साथ आपको भी थोड़ा सा आज कॉस्को का एक्सपीरियंस करवाते हैं। प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया भाई, तो मैडम जी चलाएंगी गाड़ी अब। लाइसेंस लेके आए हो तुम अपना? नहीं। फिर फोटो है मेरे पास। फोटो है तेरे पास? देखते हैं भाई आज कॉस्को में पहुंचते हैं या फिर कहीं और पहुंचते हैं। हाँ जी मैडम, कैसा लग रहा है फिर अभी तक चला के? अभी तक बहुत सारी गड़बड़ हो चुकी है, ऑफ कैमरा मैंने बहुत सुन लिया है। तो जी भगवान की कृपा से हम पहुंच तो गए कॉस्को। भगवान की कृपा से, मेरी कृपा से? नहीं, मेरी कृपा से। अच्छी चलाई और थोड़ी बहुत ऐसे 19-20 का फर्क है अभी भी। पता है वो क्यों होता है? हाँ। क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम जैसे चलाते हो, मैं भी सेम बिल्कुल वैसा ही चलाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं सोचता हूँ मैं। हाँ। बट यहाँ पे बाकी लोगों का देख के चलना पड़ता है ना, कि बाकी लोगों पे भरोसा नहीं रख सकते, तो इसी वजह से वो बोलता हूँ। बट वो हो जाएगा, अभी समर्स आएंगे ना, समर्स में क्या है कि दिन बड़े हो जाएंगे, 9-10 बजे रात हुआ करेगी, तब काफी टाइम होगा ये सब प्रैक्टिस करने का। अभी क्या है कि विंटर्स में 5-6 बजे रात हो जाती है, तो टाइम नहीं मिल पाता। हाँ, फिलहाल भाई वो रहा कॉस्को, वहाँ से होगी इसकी एंट्री। एंड एज यू ऑल नो कि ये होलसेल मार्केट है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितना भी सामान मिलता है वो सारा बल्क में मिलता है। तो चलो भाई, वहाँ पे कोई कुत्ते को बांध के चला गया, मतलब पता नहीं छोड़ के गया है या कहीं और गया है, वो बेचारा चिल्ला रहा है कुत्ता यार, है ना? अब वही वेट कर रहा है, देख रहा है कहाँ है मेरा मालिक। अब वो पता नहीं कब से छोड़ रखा होगा हमें, हम तो अभी आए हैं। हाँ, एंड भाई घुसते ही इन्होंने इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सामान रखे हुए हैं ना भाई, इनको देख के ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो खरीद लिया जाए। क्या कहती है तन्नू? है वो इतना कुछ रखा भी हुआ है, देख एयरपोर्ट्स मिल रहे हैं। मेरे को ना ये वाले हेडफोन्स लेने हैं, क्योंकि हमारे जो हेडफोन्स है ना वो खराब हो गए हैं। बट ये वाले जो हेडफोन्स हैं ये कितने के मिल रहे हैं? $329 के हैं यार, काफी महंगे हैं अभी तो। कभी इस पे लगेगी ना सेल वेल तो देखेंगे। ये वाला सेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कि आपको एंटर करते ही मिल जाएगा। वहाँ पे देखो ज्वेलरी भी रखी हुई है, तो वहाँ पे हम नहीं जाएंगे कभी भी। एंड भाई यहाँ पे ऐसा ही नहीं है कि खाने पीने का सिर्फ सामान मिलता हो या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह मिलता हो, भाई फर्नीचर वगैरह भी मिल रहा है, देख रहे हो ना, हट मिल रही है पूरी की पूरी। कितने की? 331349। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि जैसे एप्पल का विजन प्रो निकला है, ऐसे कॉस्को में एंट्रेंस पे मिलना चाहिए। हाँ। और उसमें ना जो तुम घर से लिस्ट बना के ले गए आइटम की, हाँ, वो एंटर होनी चाहिए, तुम्हें ना उसी का ही रास्ता, उसी का रास्ता। और ऐसा होना चाहिए, और ऐसा भी होना चाहिए, आपने कोई और सामान उठा लिया ना, तो वो एकदम ऐसे बोले ना ये उठाना, रख दो या फिर बैंक बैलेंस दिखा दे सामने कि ये देखो इतना है तुम्हारा बैंक बैलेंस है, नहीं ये रख दो, सिर्फ जो जरूरत की चीज है वही उठाओ। इधर क्या है भाई? अबे यार ये देखो यही होता भाई, देख रहे हो? और पीछे भाई यहाँ पे इन्होंने अपने कपड़ों की कलेक्शन रखी हुई है खूब सारी, तो मोस्ट ऑफ द कपड़ों की शॉपिंग जो हम करते हैं वो यहीं से ही कर लेते हैं, हमें ऐसा ना अलग से शॉप पे नहीं जाना पड़ता। हाँ, यहाँ से ले लेते हैं, ये भी यहीं की ली हुई है। है क्या? परफ्यूम। ये देखो अलग अलग प्रोडक्ट्स उठा के देख रही है कौन सा लिया जाए। चलो ये सब नहीं चाहिए अपने को, नहीं चाहिए इतनी बड़ी बोतल का क्या करेंगे। और भाई जिनको अल्कोहल थोड़ी ज्यादा पसंद आती है उनके लिए ये जगह एकदम जन्नत है, क्योंकि हर तरह की अल्कोहल मिल रही है भाई यहाँ पे। एंड
एक ये दिखाता हूँ, ये देखो ड्रैगन शेप में, ड्रैगन शेप की बोतल है ये, एंड शायद इसके अंदर विस्की वगैरह ही होगी। ये देखते हैं ना, वोडका मिल रही है ये। इसकी बोतल की शेप देख कैसी है, ये कितने की, $40 की है भाई ये। चलो रख दो, आ जाओ। मतलब मस्त अतरंगी अतरंगी बोतल है भाई, आज तक जो कभी आपने देखी भी होगी ना कि अच्छा ये भी आता है, ओहो इस तरह की भी अल्कोहल आती है, वो सब यहाँ पे है। बट दिक्कत सिर्फ इतनी है कि ये भी सारी बल्क में मिलती है, तो आपको भी बल्क में लेनी। बल्क नहीं मतलब बड़ी बोतल मिलेगी, जैसे अगर ये लोगे ना तो ये इतनी बड़ी बोतल मिलेगी, विच इज कितना LB है, 1.75 लीटर है पूरा। और हाँ छोटा नहीं मिलेगा, पवा ववा नहीं मिलेगा। बट ये मस्त है यार, ये वाली बोतल मस्त है, एक घर में रखने के लिए मस्त शोपीस टाइप काम में आएगी, है ना। चलो अब हम जिस काम के लिए है वो काम करें। हाँ अब याद आ गया तेरे को, गनीमत है, चलो तेरे को याद तो आया। ओ भाई ये पूरा जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, यहाँ पर सारी एक से एक आपको वाइन मिल रही है, यहाँ पे भी एंड यहाँ वहाँ पे भी। मैं कह रहा था ना तेरे को, कभी आज तक कभी पता था ऑरेंज के भी इतने सारे फ्लेवर्स आते हैं। ये नेवल्स है, ये भी ऑरेंज जैसे लग रहे हैं, आई डोंट नो कि किस टाइप की ऑरेंज है। अच्छा और फिर यहाँ पे देखो कैरा कैरा ऑरेंजेस हैं ये वाले, फिर वो मैंडरिन्स है वहाँ पे, एंड देन अच्छा यहाँ पे ब्लड ऑरेंज है, फिर ग्रेप फ्रूट है और फिर पोमेलो है। अच्छा अलग अलग कलर के ऑरेंजेस है। और ये आ गया भैया प्याज का गुच्छा, तीन वैरायटी मिलती है। हाँ आपको पता है प्याज में तीन वैरायटी होती है, तो ये हो गई लाल प्याज, रेड वाली, ये होगी व्हाइट और एक होती है येलो। बट हम जनरली ये वाली उठाते हैं क्योंकि हमारी जी इतनी भी इंडियन सब्जियां बनती हैं उसमें शायद ये वाली यूज होती है, क्योंकि ये ज्यादा तीखी होती है। हाँ, ये तीखी होती है तो इसी प्याज का टेस्ट आता है। वो व्हाइट वाली जो डालोगे वो सैलड के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका ब्लैंड टेस्ट होता है बिल्कुल। और जैसे कि बताया था कि भाई यहाँ पे सब कुछ बल्क में मिलता है, तो ऐसा नहीं कि आपको एक या दो प्याज मिलेगी, पूरा गुच्छा मिलता है ये 10-12 प्याजों का, जो कि आराम से हमारा कितना दो कितना हफ्ता चल जाता है, ये चार हफ्ता, तीन हफ्ते या तीन चार हफ्ते चल जाता है आराम से। और ये 8 हेल्दी है। चलो भैया तो भैया अपन यहाँ से उठाते हैं ये सैलेड, तो ये स्वीट केल सैलेड है, मतलब अलग अलग टाइप के आपको इसमें वेजीज मिल जाती हैं, काफ़ी सही लगी अभी तक हमें टेस्ट में, हमने और भी ट्राई करी थी, उनमें से सबसे अच्छी अभी तक हमें ये वाली लगी है। और क्या उठा रहे हो तुम, पूरी वाली देखती। आई नो आप लोग सोच रहे होगे कि यार सैलेड तो तुम अलग अलग सब्जियां लेके आराम से काट पीट के बना भी सकते हो, वो ज़्यादा आपको सस्ती भी पड़ेगी, मगर भाई आलस आलस बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसकी वजह से ना हमने कई बार ट्राई भी किया है कि अलग अलग हम सब्जी लेके गए हैं घर में कि हाँ सैलेड बनाएंगे काट के, बट रात तक आते आते हमारी एनर्जी इतनी ड्रेन आउट हो जाती थी ना कि फिर लगता था कि छोड़ यार जो खाना बना हुआ वही खा लेते, क्या सैलेड खाएंगे। हाँ। तो इसलिए जब से हमने ये बनी बनाई सैलेड लेना स्टार्ट किया ना, हमने सैलेड थोड़ा प्रॉपर वे में खाना स्टार्ट कर दिया है ना। हाँ हाँ ली मैंने पहले देख ली थी, लीची आई हुई है यहाँ पे, लीची उठाते हैं आ जा। वैसे इतनी अच्छी होती नहीं है, कभी 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 खट्टी निकल जाती है यार। भैया अपन उठाएंगे लीची, $12 की मिल रही है ये, तो इतना सा पैक है ये। पंगा इसका यही है कि यार कभी कभी ना ये खट्टी निकल जाती है, तो फिर मज़ा किरकिरा हो जाता है। हाँ इनकी ना जो बीज है वो मोटे होते हैं। भाई साहब अंदर इतनी तेज एसी चल रहा था, सर पकड़ लिया उसने, लगता सर में थोड़ा दर्द होना स्टार्ट हो गया। हाँ ये सब बेकरी का सामान है, इसमें से हम कुछ नहीं लेते। चलो ये हमने एक बार ही लिया था, ये पता है जब मम्मी पापा आए थे ना, एक क्रोसान कहते हैं इसको यहाँ पे। हाँ चाय के साथ खाते थे, मस्त लगते थे चाय के साथ। बट हम दो बिंदे तो नहीं खत्म कर पाएंगे मिलके। क्या कह रही है, वैलेंटाइन स्पेशल केक बनाया ये देखो। सही है, ये तो लेके जा सकते हैं अपन, 14 सबको काटेंगे। ये तो हम वैसे भी लेके जा सकते हैं, $17 का मिल रहा है, बट काफी ज्यादा है, पता है हम दो बंदे हाँ मिलके खत्म नहीं कर पाएंगे इसको, इतना ही खा पाएंगे बस हम। और भाई अपन उठाता है अब ये टोफू, तो पहले तो मैं चिकन उठा लेता था, बट यार अब चिकन खाना बंद कर दिया मैंने काफी टाइम से, तो इसलिए मैं टोफू से काम चलाता हूँ आजकल। और यहाँ पे देख रहे हो कुछ कुछ इंडियन स्वीट्स भी मिल रहे हैं भाई, गुलाब जामुन है, रसमलाई है, क्या ढूंढ लिया इसने, क्या है ये वेजिटेबल सूप, ये लेके तो गए थे हम एक बार या नहीं, ये बहुत पता है। अच्छा ये नहीं, ये वैसा होता है बहुत, मतलब सूप टाइप नहीं होगा जैसे हम इंडिया में सूप पीते है ना, वैसा टाइप नहीं है, ये करी टाइप लगेगा तेरे को। तो वेजिटेबल सूप ऐसा ही होता है, इंडिया में तो बहुत वो प्रोसेस्ड वाला हम लोग पीते हैं। ये वैसे भी चॉप्ड वेजिटेबल एंड बार्ले सूप है ये, रख ले देख लेंगे भैया, अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं सब्जी पे डाल दूंगी।
पूरा देसीपन पे आ गई तू तो है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ऐसा भी नैने की चीज पसंद नहीं आई तो फिर गाय को खिला दिया। गाय है और भाई ये है डेयरी का सेक्शन जहाँ से आपको दूध दूध बटर वगैरह मिलेगा, बट हमें नहीं जाना अंदर क्योंकि हमारे पास दूध ऑलरेडी पड़ा हुआ है घर। मैं सोच रहा हूँ ये उठा देता हूँ ब्लूबेरीज। तो रख लेता हूँ एक और क्योंकि मैं ज्यादा खाता हूँ ब्लूबेरीज। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं पता है इसके अंदर। आजकल मैं जिम जाने लग गया हूँ तो आई एम वेरी मच इनटू हेल्दी फूड नाउ। कैसा लगा मेरा मजाक? एंड इसके अलावा यहाँ पे सारा कुछ इन्होंने फ्रोजन मीट रखा हुआ है भाई। तो यहाँ पे तो सारे फ्रूट्स हैं, मैंगो वगैरह हो गया जो कि इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है यहाँ पे। हाँ ट्रॉपिकल फ्रूट्स तो वो रखे हुए हैं एंड यहाँ पे सारा कुछ मीट्स हैं। एंड मीट में से हम कुछ भी नहीं उठाते क्योंकि हम नहीं खाते। मैं नहीं खाती तो ये जिस टाइप का मीट यहाँ पे मिलता है ना वो मैं भी नहीं खाता हूँ। मतलब बीफ वीफ यहाँ पे मिलता है सारा कुछ पिग विग का, मैं सिर्फ चिकन खाता हूँ बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। उसके अलावा भाई अगर आप वेजिटेरियन हो तो देन दिस इज पिज्जा। दिस इज पिज्जा, ओह पिज्जा तो है बट दिस पिज्जा इज फॉर यू। तो ये क्या है ना कैलिफोर्निया कह रहा हूँ कॉलीफ्लावर क्रस्ट का पिज्जा है। तो जनरली पिज्जा जो आपने देखा होगा वो मैदे का बनता है बट इसमें इन्होंने ना मैदे ना यूज करके बल्कि गोभी यूज की हुई है। तो जिससे कि पिज्जा जो होता है ना नॉर्मली थोड़ा हो जाता है, पर ये खाने के बाद लाइट रहता है एंड थोड़ा हेल्दी ऑप्शन हो जाता है आपके पास है ना मैदे से, तो ऑब्वियसली हेल्दी ही है। पिज्जा खा लिया तो वैसे ही हमारे पास है तो हमें नहीं लेना। एंड दो आते हैं इसके अंदर और ये टोटल जो है आपको पड़ेगा $13.89 का। यहाँ पे ना कभी कभी ऐसे स्टॉल्स लगे होते हैं जहाँ पे ये फूड टेस्टिंग वगैरह करा रहे होते हैं। तो आने चलेगी लेने के लिए। क्या मिल रहा है? अच्छा सही है। वैसे कॉस्को में आपको ये छोटे छोटे नए प्रोडक्ट्स जो आते हैं सैंपलर्स मिलते रहते हैं टेस्टिंग के लिए। ये भी आ गए, ये पड़ा था हमारे पास घर में एक ही नहीं एक ही कैसे खा रही है यार, एक ही था, कोई नहीं मैं धो लिया। तो ये हो गए भाई दही। तो मैं ना नॉर्मल दही नहीं खाता, मतलब जैसे जो इंडियन मार्केट में मिलती है ना यहाँ पे वो ना खा के मैं ये क्रीक योगर्ट खाता हूँ क्योंकि भाई इसके अंदर ना आपको बहुत सारा प्रोटीन मिलता है। देख रहे हो कितना है? हाँ 18 ग्राम प्रोटीन्स है और कार्ब देखो सिर्फ 7 ग्राम और फैट तो है ही नहीं। तो सामने देख ड्रेस मिल रही है बच्चों की, अच्छी लग रही है ना। चलो जी हमने सामान तो ले लिया जो जो हमें चाहिए था एंड मन तो था कि थोड़ा सा ना कपड़े वपड़े भी देख लिए जाएं कि क्या आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बट टाइम नहीं है यार क्योंकि मनीष ने हमारी चाय की दुकान पे वेट कर रहा है। हाँ जी टोटल बिल आ चुका है $168 मैडम। यार इतना नहीं लिया हमने, हमने कम सामान लिया है, हमने दूध नहीं लिया इस बारी, अंडे भी नहीं लिए तो सामान तो हमने कम लिया है। और जी भाई पहुंच गए हम हमारे चाय के ठेके पर एंड थोड़ी थोड़ी बूंदा बांदी भी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे है ना। क्या हुआ दिख गए अपने साथी नहीं दिखे? तो जी दोस्तों चाय ले ली गई है एंड मेरा मन तो था समोसे खाने का बट मैडम का मन था पाव भाजी खाने का, तो पाव भाजी ले ली गई है और समोसा मैंने नहीं लिया है क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि पाव भाजी से पूरी खत्म नहीं की जाएगी। हाँ तो मैं दोबारा समोसा ऑर्डर कर लूंगा भाई, मेरा क्या जा रहा है ना। और क्या इसे कहते हैं क्लेवर थिंकिंग, क्या कहते हैं? कुछ भी। अच्छा दोबारा दिखा तो दोबारा तो दिखा तो दोबारा तो दिखा अच्छा दिखा तो अरे दिखा क्या दिखा रहे थे तो? मैं ये दिखा रही थी। तो ये दिखा रही है अवॉइड गर्लफ्रेंड्स, इट सेव्स 90% ऑफ पेट्रोल है ना, इसलिए तो मैंने भैया इलेक्ट्रिक गाड़ी ली है। तुमने ये डायलॉग चुनने के लिए जब खाने के लिए दोबारा कैमरा ऑन किया? हाँ और क्या। और भाई हमारे दोनों साथी भी आ चुके हैं वहाँ पे अपना ऑर्डर दे रहे हैं अभी, तो डिसाइड कर रहे होंगे वो क्या लिया जाए क्या लिया जाए। हाँ जी मैडम कर दोगे खत्म ये जो पाव भाजी आई है इतनी सारी? मैं कर तो दूंगी खत्म। हाँ फिर उसके बाद फिर घर जाके कुछ नहीं खाएगी। बताओ पाव भाजी खा ली थी पूरी या नहीं खाई थी? फिर मैंने तो पूरी खा ली थी, पूरी खाई, एक दो बाइट लिए होंगे बाकी मैंने नहीं खाई है। थोड़ी बहुत मनीष ने भी खाई थी, अंजलि ने भी खाई थी, एक एक बाइट यार, मतलब मैंने पेट नहीं भरा पर मैं खा ली। तो आप डिनर करेगी? क्या डिनर करेगी? हाँ सही है।
चलो जब फिलहाल मैराथन लगाया जाएगा कि ये सारा सामान कैसे पहुंचाया जाए ऊपर, तो इसमें से जरूरी सामान है ना वो ले चलते हैं, जैसे कि जो खराब हो जाएगा जिसमें जिसको फ्रिज में डालना होगा ना, बाकी तो यहाँ छोड़ देते हैं। उठाओ तो और उसको भारी कह रही है, इसको उठाई गई तो फिर तो तू गई। उठा लूंगी, उठा एक बारी उसको उठा के देख। उठा लेगी पक्का? चलो जी, पानी की बोतल हम बाद में लेके जाएंगे, मैं इसको लेके जाता हूँ और मिलते हैं अब आपसे घर पे। भाई साहब तोते उड़ गए पूरा सामान ऊपर लाने में, एंड बस यार अब डिनर की तैयारी की जाएगी, जो कि मुझे डाइसी सा लग रहा है क्योंकि इतनी सारी जो पाव भाजी मंगा ली थी मैडम ने, मुझे लगा था उसमें ना दो ही पाव आएंगे, पर इसमें चार थे। तो मुझे दो पाव मतलब वो एक काट के देंगे ना तो चार तो हो ही जाएंगे ना यार। तो अरे तो एक पाव एक के अंदर दो पाव होते हैं, एक के अंदर दो निकलते हैं, है ना? हाँ हाँ, तो उसको एक ही माना जाता है वो। अच्छा, काट के जो भी हो तो हाँ। अगर पूरा मानोगे विदाउट उसका बीच में से काट के तो चार पाव थे। ठीक है जो भी है, तो पाव भाजी ज्यादा आ गई थी एज आई सस्पेक्टेड, एंड यार बस इसी के साथ करते हैं हम इस व्लॉग की समाप्ति। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।